हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो हेलो जॉली जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन मायसेल्फ टीचर विद थैंक यू मायसेल्फ टीचर विद्यावती। और इस कोच में कोच पहनकर बहुत आग लगा रहे हैं सुना मैंने। अगर ये आदत है थोड़ी बहुत आग लग जाए तो क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको एक बात बता दूं। जी बताएं। आपका एक डायलॉग मेरे पे बहुत सूट करता है। कौन सा? जो मैं लिखाती हूँ वो मैं पढ़ाती हूँ, और जो मैं नहीं लिखाती वो तो मैं डेफिनेटली पढ़ाती हूँ। अक्षय भाई, लोग मुंबई में आके करियर बनाते हैं स्ट्रगल करके, इन्होंने बहुत मेहनत करके जूड़ा बनाया है। कपिल शर्मा, अगर आपने ज्यादा बोला तो मैं इससे ना इस हथौड़े से ऐसे ऐसे ऑर्डर कर दूंगी, सबको लगेगा छुट्टी होगी, सब चले जाएंगे, फिर आप अकेले शो करते रहना। देखिए, आपको जो भी बोलना है आप कटघरे में आके बोलिए, यहाँ पे अदालत लगी हुई है। एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती। क्या? एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती है। कटघरे में? ओके, माय बैड। ओके ओके, जो भी आपने कहा ना फटाफट करिए, 10:30 के बाद सीआईडी वालों को भी आना। चलिए वकील साहब, इतना मेलोड्रामा क्यों, क्या हुआ? आराम से अपनी बात कहें। वकील साहब जी, भगवान ने अच्छे खासे लड़के बनाए थे, लेकिन इस इंसान ने उन्हें लड़की बना दिया। आपको पता है उस वजह से लोग मुझ पे भी शक करते हैं, इसकी वजह से मैं आज तक सिंगल रह गई हूँ। सिंगल तो रहेगी ना अक्षय भाई, ये कोई भी बॉयफ्रेंड बनाती है उसको जाकर कहती 79 का पहाड़ा सुनाओ, तो आदमी क्यों रहेगा आपके साथ? और नहीं जवाब देता तो अपने बॉयफ्रेंड को मुर्गा बना देती है। हां तो बॉयफ्रेंड को मुर्गा बनाऊंगी, मुर्गे को बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती मैं। और वैसे भी अगर मैंने मुर्गा वाला बॉयफ्रेंड बना भी लिया तो हमारे बच्चे नहीं होंगे, उससे शादी के बाद हमारे चूजे होंगे, और सुबह सुबह रोज मुझे बोलेंगे पक 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 पक, मैं पकने जाऊंगी। आपका अगर मुर्गा बॉयफ्रेंड होता भी है, मिलॉर्ड पॉइंट बी नोटेड। जी नोट कर रहा हूँ। कल को आपको भूख लगती है तो बॉयफ्रेंड का बटर चिकन भी तो बना सकती हैं आप तो खाने पीने की बात मत ही कीजिए। वकील साहब, इनके मोहल्ले में इकलौती टीचर हूँ मैं, लेकिन इस इंसान ने एक कप चाय का भी मुझे आज तक नहीं पूछा। आप भी बता लीजिए, आपको पूछेगा भी? अक्षय कुमार, वो चाय पीते नहीं तो मैं क्यों पूछूं उनसे? लेकिन पूछना तो चाहिए। चाय पियेंगे आप? मैं चाय पीता ही नहीं, आप मेरे बारे में गलत क्यों अफवाह फैला रही? अक्षय जी, वैसे एक बात कहना चाहूंगा, आप बस दो बार ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर इज रेडी। और चाय की बात है ना तो चाय मैं आपसे पूछ लूंगी, इसमें क्या है? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। एक मिनट, आपकी मम्मी ने क्यों चाय पे बुलाया? वो अदरक कूटते हैं? पंछी अकेला देख मुझे ये बुलाया। अक्षय जी, अब क्योंकि आप आ ही गए हैं तो एक बात कहना चाहती हूँ। विद्यावती, आप ये क्या कर रही हैं उनके साथ? बताइए, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरी बात सुन, तुझे जलता क्यों तू? हमेशा जलता तू? मैं ये बोल रहा हूँ, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरे बच्चे है ही नहीं। उनके तो है ना, इतनी खूबसूरत बीवी, उनकी दो बच्चे उनके। अरे तो उनको खतरों से खेलने का शौक पहले से ही है। तो क्या हुआ? वैसे भी क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई परेशानी नहीं। कोई भी हीरोइन आती है तुम छोड़ते नहीं हो उसे? पिछले वाले में भी मैंने देखा था, क्या कर रही हो? मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये जूड़े को मैंने, अब मैं बड़ी देर से तुम्हारा साइड ले रहा हूँ, अब तुम तमीज से पेश आओ। मैं बिल्कुल तमीज से। हाँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे एयर इंडिया की तरह रहो। हाँ, पूछो। सर, दरअसल इस जूड़े को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। वेरी गुड। अब मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में इसका नाम हो। सर, आप यू आर वेरी गुड स्टंटमैन, मैं चाहती हूँ जूड़ा पकड़ कर आप घुमाए मुझे, भी स्टंट सिखाए मुझे, यहाँ वहाँ फेंके मुझे, हवा में उड़ाए। मैं चाहती हूँ इसका नाम दुनिया में हो कि अक्षय कुमार ने इसे उखाड़ा है। आप बावली हो गई? सर, मैं विद्या, मैं लोगों को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, उनके झुंडे पूर दूँ मैं। आप अपने नाम बनाने के चक्कर में मेरा नाम बिगाड़ दीजिए। सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए। झुंडा पूट लें आपका। I like you, you're very intelligent. Please be my student. Yes, I will be your student. हाँ जी सर, पंजाबी में बोला झुंडे पुट दो, एक बार फिर कह दो, बड़ा स्वीट लग रहा है आपके मुंह से। आप अगली बार झुंडा करके आइएगा, आपका झुंडा पुटवा देंगे उनसे। चलिए, मैं, उन्होंने अगर कुछ पूछा है तो जी देखिए, मैं आपका झुंडा नहीं पूटूंगा। थैंक यू सो मच। आप चलें।
हाँ जी जा रही हैं बिल्कुल आपकी वेट ओके मैम नाइस मीटिंग यू आपकी कार के पास आई एम वेटिंग अब ये शो इन दोनों के बीच होगा मैं बैठा हूँ कर ले बेटा तू अपने मन की तमन्ना पूरी कर ले उमा डू यू थिंक आई एम लाइक दैट उमा से क्यों पूछते हो क्या लगता है पब्लिक भैया He's like my brother. Abbas. पूछो आप उमा तुम्हें पता है पिछली हीरोइन ने एक बार ऐसा कहा था गलती से कि मेरे भैया हैं फिर जो गुस्सा हुआ था फिर कभी नहीं आई वो ये शो पे फिर कभी नहीं आई कह दो कि ये तुमने मजाक में कहा प्लीज कह दे मैं तेरे भरे के लिए कह रहा हूँ कह दे कह दू कह दो कह दो नहीं ना ओके ओके पीपल जो उनको लगता है कि कपिल मेरा भाई है हाथ उठाए ये सबको बाहर निकाला जाए सिक्योरिटी हुमाना एक्चुअली शी लाइक्स मी अ लॉट थोड़ा शर्माती है हुमा व्हाई आर यू सो रेसिस्ट रेसिस्ट हां तो क्यों भैया क्यों बोलती मेरे को आज इस बात का जवाब चाहिए मुझे आप फिर अगली बात करेंगे आप सबके साथ तो फ्लर्ट करते हो कोई तो माने छोड़ा आज तक किसी को छोड़ा है कोई तो माने वैसे एक बात बताता हूँ चलो फ्लर्ट करना अच्छी बात होती है लेकिन दैट इज कॉल्ड गुड फ्लर्टिंग या मतलब किसी को लड़की को एक मैं बोलूं अब मैं तेरी साइड ले रहा हूँ तो तू बोलेगी नहीं जैसे कैसे कोई लड़की आए उसे आप बोले यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल दैट इज गुड फ्लर्टिंग है ना लड़की आई एम श्योर यू डोंट माइंड दैट नहीं नहीं बड़ा अच्छा लगता है लड़कियों को लेकिन बुरी फ्लर्टिंग अलग चीज होती है जो कि कभी करना नहीं चाहिए जैसे हमारे शरीर पे होता है गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल करेक्ट गुड फ्लर्टिंग बैड फ्लर्टिंग माइन इज गुड फ्लर्टिंग सो ही इज डूइंग गुड फ्लर्टिंग आई होप सो आई लव यू बाजी सो विद गुड फ्लर्टिंग आदमी यंग रहता है अदरवाइज यू नो व्हाट वांट टू हिट मी या बेबी कम ऑन बेबी हिट मी कर ले कर ले कर ले कम ऑन बेबी किल मी अच्छा हुमा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ थोड़ा हम तुम्हारे हाथ में नहीं अच्छा लगता अच्छी सी नेल पॉलिश लगाओ और प्यारी सी अदा में खड़ी रहो लगाई हुई है आपने ऑलरेडी हुमा एक बात बताइए ये फिल्म की आपने स्टोरी सुनी थी कि खाली अक्षय कुमार सुना और फिल्म साइन कर ली और कोई रीजन चाहिए वो खड़े भी पीछे रहते हैं कि गोल के बता और कोई और हुमा दो और फिल्में दो और फिल्में And I just want to inform you, we just started K9 Films. K9 film मतलब क्या? हमारा production house. मतलब इतना wannabe है ना कपिल? सबको Hollywood जाना है. Yes, I am wannabe. सबको Hollywood जाना है. कौन सा Hollywood? फिरंगी. Oh, 1920. हाँ भाई शुरू. 1920 based story है ये. और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. फिरंगी. जरूर देखने जाइएगा जब भी आए मैं बता दूंगा आपको. जब एक बात बताऊँ. फिरंगी जब तेरी रिलीज होगी ना तो तू है ना मुझे बुलाइयो प्रमोशन के लिए डन सर पक्का क्योंकि तू कहीं और तो जाएगा नहीं बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में होगा पर हम वो एपिसोड सर अपने सेट पे शूट करना चाहते हैं जो कि सेट हमने 6.5 करोड़ की लागत से बनाया है जो कि वहां बनाओगे जी 1920 तो मतलब वहां चंडीगढ़ आना पड़ेगा आज आप भाई नहीं मिला नहीं आएंगे इसमें क्या आएंगे बिल्कुल आएंगे आपको पता है जॉली एलएलबी में अक्षय पाजी हुमा के ऐसे पति हैं जो इनकी बहुत सेवा करते हैं खाना बनाते हैं पांव भी दबाते हैं असल में आपको वैसे कैसे पति चाहिए बिल्कुल ऐसे ही चाहिए नहीं ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ और आप शादीशुदा भी नहीं हैं शादीशुदा भी नहीं हूँ मैं अब बताओ हुमा आई वॉन्ट टू बी सिंगल फॉर एवर मैंने कसम खाई है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्यों मुझे भी नहीं करनी है अच्छा वैसे अक्षय पाजी का नाम जॉली है मैं तो पर्सनली इनको जानता हूँ ये बहुत ही शरारती हैं एक्चुअली और अच्छा दिल से बच्चा होना चाहिए सेट पे भी ये मजाक वजाक करते हैं आपके साथ बहुत मजाक करते हैं और थोड़ी चोरी भी करते हैं चोरी मतलब आपका कुछ सामान रखा हो खासकर आपका फोन रखा हो तो फटाफट चुरा लेते हैं मतलब मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया था कि टुक माई फोन और 2-3 हीरो को मैसेज कर दिया मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू मैरी यू आई लव यू मेरे फोन नंबर पर कर देते पाजी आपके पास है ए से बी तक ही उतर पाया ना के कहां तक पहुंचूं हुमा बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और हमें गर्व होता है जब भी आप फिल्मों में अच्छा अच्छा काम करती हैं
और इस बार आप और अक्षय पाजी साथ में आ रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि अक्षय पाजी ने आरजू में माधुरी मैम के साथ, ऐतराज में करीना कपूर के साथ, अजनबी में बिपाशा बसु के साथ, नमस्ते नंडर में कटरीना कैफ के साथ, हाउसफुल में दीपिका पादुकोण के साथ, हाउसफुल 2 में आसिन के साथ, आप मतलब कोई नाम लो हिरन का, कौन सी जिसके साथ आपने फ्लर्ट नहीं किया, भले फिल्मों में किया, करते तो हो ना जी। मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, आप तो पैसे भी ले लेते हो सब कुछ। तो भैया जिसके साथ करता हूँ वो भी तो पैसे लेती है, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों पैसे लेते हैं। This is sounding very wrong. Why sounding wrong? Why wrong? Tell पाजी पूछो आज, हर बात को wrong wrong बोल रही हैं। आज क्या मतलब wrong क्यों है? क्यों है? आज बता wrong क्यों है? पाजी बात उसने कही है। हमारे शो की प्रॉपर्टी क्यों तोड़ रहे हो? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.